लेकिन देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से डीडीयू मार्ग, आईपी मार्ग, मिंटो रोड और विकास मार्ग पर भारी जाम की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि अब से 2 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, गोपाल राय से लेकर आपको तमाम वो बड़े नेता आतिशी जो है वो नजर आएंगी, जो बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की जो योजना बनाई है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय के सामने दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो वाहन है अलग अलग तरीके के वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अभी जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो बीजेपी मुख्यालय के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये बसें लगाई जा रही हैं, बसों की कतार देखिए, इन्हीं बसों में भर कर लोगों को ले जाया जाएगा। अगर पुलिस को उस वक्त लगता है कि कानून व्यवस्था का पालन जो लोग नहीं कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हिरासत में लेना है, तो इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, CRPF की तैनाती यहाँ पर की जा रही है, SSB की तैनाती की जा रही है, और इनको बताया जा रहा है कि कहाँ इनको किस जगह इनको डिप्लॉयड होना है। और ये तस्वीर देखिए, ये वाटर कैनन वैन है। इस कानून व्यवस्था को लेकर अगर कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो वाटर कैनन वैन भी यहाँ पर आएगी। और लगातार देखिए ये अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो इस विशेष वाहनों में यहाँ पर मौजूद हैं, और कानून व्यवस्था का जो पालन करने के लिए वो तैनाती हो रही है। देखिए तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के भी और जवान बराबर इनके साथ हैं, और बीजेपी मुख्यालय के आसपास, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आसपास ये उनकी तैनाती हो रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते बीजेपी मुख्यालय के सामने जो परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही है उससे निपटने के लिए संबंधित एजेंसियां पूरी तरीके से रहें तैयार। कैमरा पर्सन नसीब के साथ अमित पांडे, दिल्ली News 18 India। तो देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई। साफ तौर पर कहा गया कि भारी जाम जो है वो कई जगहों पर हो सकता है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ। मेरे साथ तमाम सहयोगी जो है मेरे लगातार जुड़े हुए, शहजाद पुनेवाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही गजेंद्र भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, पहला सवाल मेरे आप ही से है, क्योंकि शहजाद पुनेवाला मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करवा रही है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विभव कुमार इतने बड़े हो गए हैं कि स्वाति मालीवाल को जो है उनके घर पर भेजा जाएगा सीएम आवास में और इस तरीके की हरकतें कराई जाएंगी? आपको नहीं लगता कि स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही स्वाति मालीवाल है जो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ थी और फाउंडर्स मेंबर्स में से एक है? देखिए अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अगर आप देखोगे, पिछले काफी वर्षों से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कुचला जाए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनावों में जीत नहीं पाती। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरे देश में जीत जाते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के सामने आते हैं तो नरेंद्र मोदी को अपनी हार माननी पड़ती है। नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कई बार शिकस्त दिए। 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह घर घर घूमे, 2020 के चुनाव में घर घर पर्चे बांटे अमित शाह ने, आम आदमी पार्टी को लेकर काफी बातें करी, इन्होंने पूरे का पूरा दिल्ली का विधानसभा का चुनाव कम्युनल एजेंडे पे लड़ा। हम इन चीजों की बात नहीं करें कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के सामने कब चुनाव लड़ा, कौन कब हारा, यहाँ पर महिला की बात हो रही है, यहाँ पर स्वाति मालीवाल की बात हो रही है, उसको लेकर मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है? कह रहा था अनुपमा जी कि आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए, एक पूरी स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है, और उसी स्क्रिप्ट पर चलते हुए पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, फिर मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, फिर संजय सिंह को जेल भेजा, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, वो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजेंद्र जी, वो भारतीय जनता पार्टी को लगा तौर पर जवाब नहीं देंगे। शहजाद पूनावाला का जो है वो कई सवाल है आपसे, शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए।
अनुपमा जी, जब से ये पार्टी पैदा हुई है आरोप लगाकर भाग जाना, अगर हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, एक महीने पहले आतिशी जी ने आरोप लगाया था, एक साल पहले 800 करोड़ का ऑडियो टेप है, ये इन्होंने मीडिया में सौरभ भारद्वाज ने बताया था, कहाँ है वो ऑडियो टेप, कहाँ है वो पुख्ता प्रमाण, अभी तक FIR नहीं की। अब सुन लीजिए भारद्वाज जी, आप तो मेरे अच्छे मित्र है। दूसरी बात, हम इनसे डर गए भाई, 22 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं हम, 303 की सीट वाली पार्टी, पर इनसे हम डर गए। अरे आप इतने डरे हुए नहीं है तो दिल्ली में 700 सीट अकेले लड़ते, कांग्रेस की बैसा के ऊपर लड़ रहे, पर आज मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा केवल, अनुपमा जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप एंकरिंग कर रही हैं, मुझे केवल एक बात जाननी है कि संजय सिंह का बयान जहां पे उन्होंने कहा विभव कुमार ने अभद्रता की है हमारी सांसद के साथ हम खड़े, वो सही, या जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये लंगड़ा नहीं रही है, ये पीड़िता नहीं दिख रही है, ये रो नहीं रही है, ये बिलख नहीं रही है, इसके सर से खून नहीं फट रहा है, ये कहना पीड़िता के लिए, किसी भी पीड़िता के लिए ये सही? मैं केवल आज महिलाओं की तरफ से सवाल, ठीक है घनेन्द्र जी जवाब दीजिए जरा इन सवालों का, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है ना कि आखिर संजय सिंह कुछ और कहते हैं, फिर दो दिन बाद आकर आतिशी कुछ और कहती हैं। गणेंद्र जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी कहिए। हाँ देखिए अनुपमा जी, जो संजय सिंह जी ने कहा, संजय सिंह ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब एक ही वर्जन संजय सिंह जी के सामने आया, उसके बाद जिस तरीके से और वीडियो आई स्वाति मालीवाल जी की, दो दो वीडियो आई, उन वीडियो में साफ पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल जी ना सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को धमका रही है, ना सिर्फ विभव कुमार जी के साथ बदतमीजी कर रही है, वो वहां सोफे पे बैठी हुई हैं और सुरक्षा कर्मियों के बार बार कहने के बाद भी वो वहां से नहीं निकली। आपके वीडियो में, आपके वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फिर आपके पास लौट रही, लेकिन शहजाद पूनावाला मेरा सवाल आपसे भी अब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है सीधे तौर पर कि देखिए हमने एक पक्ष सुना और उसके बाद जो है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या आम आदमी पार्टी में कोई भी एक नेता जो है वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से रिलायबल नहीं था कि पहले दोनों फैक्ट्स को देखा जाए, सीसीटीवी देखा जाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? अनुपमा जी यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीसीटीवी फुटेज और क्लिप्स है, ये क्या 14 17 15 तारीख को बनी क्या? ये तो 13 तारीख को भी थी। संजय सिंह जी तभी ये क्लिप्स जारी कर देते, तभी वो देख के बता देते। संजय सिंह जी देखिए, ऐसा ये कोई ब्लैक टिकटिंग नहीं चल रहा है फैक्ट्स का, ये पूरे फैक्ट्स के साथ ही बैठते होंगे ना कोई भी डिबेट में या कोई भी प्रेस वार्ता में, या एक साइड की फैक्ट पे कर देते प्रेस वार्ता। संजय सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता है, तीसरे नंबर के नेता है सुनीता जी के बाद। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, क्लिप छोड़िए ना, पूरी सीसीटीवी फुटेज डाल दीजिए, अनुपमा जी और उनका चैनल देखकर तय कर देगा। गणेंद्र जी यही सवाल मेरा भी और यही सवाल जनता भी पूछ रही है, यही सवाल दिल्ली पुलिस भी पूछ रही है। कल विभव कुमार सीएम आवास क्या कर रहे थे? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर पर दलील दी है कि इंजीनियर ने हमें जरूर जो है वहां की सीसीटीवी फुटेज दी, लेकिन जो टाइम है, जो एक्यूरेट टाइम है जब ये घटना हुई है, उस वक्त ब्लैंक फुटेज है। देखिए अनुपमा जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। एक, आपने संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करी क्योंकि मेरा वीडियो चला गया था, मैं दोनों चीजों को स्पष्ट करता हूँ। संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनके पास एक तरफ का पक्ष था, एक फैक्ट उनके सामने था कि जब वो स्वाति मालीवाल जी ने जो अपनी PCR कॉल करी और जो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने उस पीड़ा के आधार पर और जो सीएम आवास में हुआ, उन्होंने उस चीज को मीडिया के समक्ष रखा। लेकिन जैसे ही वीडियो फुटेज सामने आई कि स्वाति मालीवाल जी सीएम आवास पे जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रही थी, जिस तरीके से वहां से सोफे पे हट रही थी, जबरदस्ती एंटर करी और जिस तरीके से विभव कुमार जी के साथ बदतमीजी कर रही थी, वो फैक्ट बाद में आए और उस फैक्ट के आने के बाद, दो दो वीडियो आने के बाद, स्वाति मालीवाल जी एक्सपोज हो गई कि स्वाति मालीवाल जी ने मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती एंट्री करी और उनका मकसद सिर्फ ये था कि वहां पे मुख्यमंत्री आवास पे हंगामा करना। पूरा मामला कोर्ट में, अभी तक ये पूरा मामला कोर्ट में, तो ये आप नहीं कह सकते कि स्वाति मालीवाल जो एक्सपोज हो गई है या क्या कुछ, अभी जांच पड़ताल चल रही है। आप सटीक सवाल का जवाब दीजिए, सीसीटीवी फुटेज की बात यहाँ पर की जा रही है, आखिर जब घटना हुई उस वक्त की फुटेज कहाँ है? जी मैं वही कह रहा हूँ कि 13 तारीख की ये घटना है, PCR की कॉल जाती है, PCR की कॉल के बाद सिविल लाइन थाने के SHO वहां आते हैं, वहां ACP साहब आते हैं, वहां DCP साहब आते हैं। जब 13 तारीख को कोई PCR कॉल हो गई और वो भी मुख्यमंत्री आवास को लेके,
तो पूरी की पूरी चीजें उसी समय से दिल्ली पुलिस ने अपने जुरिस्डिक्शन में ले ली थी, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो चाहे कुछ भी। आप गोल गोल बातें घुमा रहे, मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए एक बार। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है अंदर जबरन घुसी, लेकिन अगर बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज है तो अंदर जाने की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है, और खासकर जब घटना हुई है तब की फुटेज कहाँ है, ब्लैंक फुटेज क्यों है दिल्ली पुलिस के पास? बाकी मैं क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री घर की जो सुरक्षा घेरे का काम है वो दिल्ली की पुलिस का है, और जिस दिन ये घटना है उस दिन के बाद से सारी सीसीटीवी सब कुछ मॉनिटरिंग और पूरा, क्योंकि घटना मुख्यमंत्री के घर पे। शहजादपुरा वाला एक आखिरी कमेंट आपका।